दोस्तों नमस्कार। द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे इज कुशिंग्स डिजीज। आज हम कुशिंग्स डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कई बार पैट ओनर्स की कंप्लेंट आती है कि हमारा डॉग बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, ओबेस हो गया है, उसके पेट का फूलना हमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ढीला ढाला हो गया है डॉग, मसल्स पूरी की पूरी एट्रोपाइज्ड हो चुकी हैं, ऐसी आपको हिस्ट्री मिलेगी, मैच्योरेशन बार बार कर रहा है डॉग। उस केस में दोस्तों बहुत कम ऐसे वेटनरियन हैं जो इस कुशिंग्स डिजीज़ को डायग्नोज कर पाते हैं। दोस्तों कुशिंग्स डिजीज़ को डायग्नोज करना एक चैलेंजेबल टास्क है दोस्तों, क्योंकि ये इसका इंसिडेंस बहुत कम है, इसलिए लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कुशिंग्स डिजीज़ और अदर डिजीज़ जो कि इससे रिलेटेड होती हैं इन सिम्टमों से, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर टाइम पे कुशिंग्स डिजीज़ का इलाज ना किया जाए तो दोस्तों इसका प्रोग्नोसिस ग्रेव हो सकता है और डॉग विल डाई डेफिनेटली। दोस्तों इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इन सिम्टम्स को, अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं दोस्तों, तो वेटनरी क्लिनिशियन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुशिंग्स डिजीज़ के इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले ये डिजीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब इस डिजीज़ के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में दोस्तों ये चर्चा करेंगे कि कैसे कुशिंग डिजीज़ से इंट्रोडक्शन करेंगे, कुशिंग डिजीज़ क्या है, कुशिंग डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द कुशिंग डिजीज़, एंड इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कुशिंग डिजीज़। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कुशिंग डिजीज़। दोस्तों जो कुशिंग वर्ड है ये कोई डिजीज़ का पर्टिकुलर नाम नहीं है। पहली बात तो डिजीज सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ साइंस आते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि विलियम कुशिंग एक साइंटिस्ट, एक न्यूरोसर्जन थे, उनकी वजह से इस डिजीज़ का नाम कुशिंग डिजीज़ या कुशिंग सिंड्रोम रखा गया है दोस्तों। दोस्तों ये एक स्केच है एक डॉग का। दोस्तों ये डिजीज़ कैट्स एंड डॉग्स दोनों में होती है, बट predominantly it is found in case of dogs and rarely in other domestic animals and somewhat cases are reported in case of felines. दोस्तों ये जो यहाँ पे दोस्तों ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, बिकॉज ये हाइपो थैलेमस के नीचे होती है दोस्तों, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई बोलते हैं। और इसके कई पार्ट होते हैं जिसमें एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, लेकिन हम यहाँ पे उनसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हॉर्मोन्स के बारे में। तो दोस्तों इस पिट्यूटरी से ब्रेन से यहाँ से ACTH एक हार्मोन निकलता है दोस्तों, उसे बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। दोस्तों इस हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन किडनी के ऊपर जो सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है दोस्तों, जिसे एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, उस ग्लैंड पे जाके ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, इस एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलवाता है दोस्तों। कॉर्टिसोल निकलता है। तो दोस्तों जब भी आपके दिमाग में कुशिंग वर्ड आए, तब आप तुरंत अपने माइंड में एक चीज क्लिक करें, कॉर्टिसोल, सी फॉर कुशिंग, सी फॉर कॉर्टिसोल। इलिवेशन ऑफ द कॉर्टिसोल लेवल का अचानक से बढ़ जाना कुशिंग डिजीज को डिनोट करता है दोस्तों। इलिवेशन क्यों होता है, अब इसका मैं रीजन बताता हूँ। अब या तो कोई भी अफेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो, या फिर कोई भी अफेक्शन एड्रेनल ग्लैंड के अंदर हो। दोस्तों अगर डायग्नोसिस या नेक्रोप्सी के टाइम पे, क्योंकि अगर डायग्नोस नहीं हो पाया तो डेथ हो जाएगी एनिमल की, तो जब भी नेक्रोप्सी हो उस टाइम पे ये पाया गया है कि दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस में अगर ट्यूमर हो जाता है दोस्तों, तो उस ट्यूमर की वजह से वहां से ACTH का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और उस ACTH के प्रोडक्शन की वजह से दोस्तों क्या होता है कि ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़वा देता है। इस कॉर्टिसोल के लेवल के बढ़ जाने की वजह से दोस्तों जो भी फंक्शन कॉर्टिसोल के होते हैं वो एक पैथोजेनिक फॉर्म में दिखने लगते हैं दोस्तों, और जो डिजीज डेवलप होती है उसे बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में, मतलब मैनी ऑर्गन्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू दैट एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल। सो यू रिमेंबर दैट पॉइंट व्हेनेवर यू
see the term Cushing's in front of your eyes, you must click in your mind that cortisol. इस cortisol level का बढ़ जाना दोस्तों Cushing's disease को denote करता है, और इसका इसलिए दूसरा नाम भी है दोस्तों hyperadrenocorticoidism. hyperadrenocorticoidism बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती है, उनमें से जोना फैसिकुलाटा से ये कॉर्टिसोल निकलता है. जोना फैसिकुलाटा से जब ये कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाती है दोस्तों. दोस्तों एज यू नो दैट द कॉर्टिसोल इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, एंड व्हेन दिस कॉर्टिसोल यूज्ड एज ए मेडिसिन then it is hydrocortisone. So we come to the point again. दोस्तों जो ये Cushing's syndrome है affected dogs may show many functional disturbances on many organs due to combined effect of that glyconeogenetic, lipolytic, protein catabolism as well as the anti-inflammatory effect of the cortisol. तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि Cushing सिंड्रोम में जो इस सी वर्ड से आप कॉर्टिसोल याद रखें, इस कॉर्टिसोल की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूँ कि पॉट बेली कंडीशन आ जाती है डॉग की, यहाँ बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कॉर्टिसोल का मेन रोल है मेटाबॉलिज्म का, ये मेटाबॉलिज्म करता है दोस्तों. दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप Cushing's डिजीज़ को वेल डायग्नोज करना चाहते हैं, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और ख़ुद को अदर वेटनेरियन से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो बढ़िया बढ़िया स्टडी करें, अच्छे अच्छे डिजीज़ की स्टडी करें. पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, दोस्तों 85% ऑफ द Cushing's सिंड्रोम केस, जितने भी केस रिपोर्ट किए गए हैं उसके 85% केसेस के अंदर, सॉरी पिट्यूटरी का, नॉट पीनियल, सॉरी पिट्यूटरी, 85% ऑफ द केसेस वर रिपोर्टेड एज द एडिनोमास ऑन द पिट्यूटरी ट्यूमर, ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस पर एडिनोमास देखे गए थे दोस्तों 85% केसेस के अंदर, और अप टू 20% केसेस के अंदर दोस्तों एडिनल ग्लैंड अफेक्ट होती है, एडिनल ग्लैंड सुप्रा रीनल ग्लैंड अफेक्ट होती है 20% केसेस के अंदर, और यहाँ पे ये डायरेक्टली एडिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल का लेवल अचानक बढ़ जाता है दोस्तों, और उसको ये पिट्यूटरी फीडबैक से ओवरकम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसमें क्लिनिकल साइन आते हैं. दोस्तों क्लिनिकल साइन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो पॉट बेली कंडीशन आ जाती है डॉग के अंदर, और बहुत ज़्यादा एट्रोपी हो जाती है मसल्स की, बार बार मिक्चुरेट करता है डॉग, और दोस्तों एकदम लूज हो जाता है, एपेटाइट तो ऐसे बढ़ जाती है जैसे कि मतलब उसने कभी खाना ही नहीं खाया, इतनी ज़्यादा एपेटाइट बढ़ जाती है कि डेली का डबल टू ट्रिपल उसका डाइट हो जाता है दोस्तों. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर की वजह से, ड्यू टू द ट्यूमर ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंप्रेसेस द हाइपोथैलेमस सेंटर, जहाँ पे एपेटाइट का सेंटर होता है, उसको कंप्रेस करके डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एपेटाइट बढ़ जाती है. और दूसरा रीजन है कॉर्टिसोल जो होता है दोस्तों, इसकी वजह से भी एपेटाइट बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है. तो अगर आप ये क्लिनिकल साइन देखें तो दोस्तों वो जो ABCD आप या जो भी लगाते हैं, वो एविल मेलोनैक्स और एंटीबायोटिक्स, उनको लगाने के बजाय डायग्नोसिस को परफेक्ट करें. डायग्नोसिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत ज़्यादा आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि आप दिन के 10 केस देख रहे हैं वही ABCD लगा के, और एक सिंगल केस भी अगर आप ऐसा ट्रीट कर देते हैं, वेल ट्रीटमेंट दे देते हैं दोस्तों, आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा सीधा की सीधा. तो दोस्तों ये आज हमने यहाँ पे Cushing's डिजीज़ के बारे में पढ़ा. मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक होती है इएट्रोजेनिक Cushing's सिंड्रोम. दैट इएट्रोजेनिक Cushing's सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर जो फिजिशियन होता है, जो भी इस केस को हैंडल कर रहा होता है, उसको डायग्नोस नहीं कर पाता है, और एक्सेस एंड रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्सामेथासोन और एनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दैट सिंड्रोम बाय द फॉल्ट ऑफ फिजिशियन.
दोस्तों उसकी वजह से ये डिजीज डेवलप हो जाती है। और ऐसा ना करें दोस्तों, अगर आपसे डायग्नोसिस नहीं हो रही आप रेफर कर दें आपके सीनियर को। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कशिंग्स डिजीज में अगर आप एक्स्ट्रा डेक्सामेथासोन और ऐसी चीज़ें आप लगाते रहेंगे और आप वेल डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तो डॉग विल डेफिनेटली डाई। एंड आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि जो कशिंग सिंड्रोम है इसकी प्रोग्नोसिस अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो दोस्तों फेयर से गुड तक है, मतलब डॉग ठीक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी ड्रग लगाने से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। और बहुत सारे ओनर रिपोर्ट कर रहे हैं इंसिडेंस इसके दोस्तों पहले नहीं होते थे, अब दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कई केसेस रिपोर्ट किए गए हैं दोस्तों। तो किसिंग्स डिजीज को अच्छे से डायग्नोज करें, कैसे इसका डायग्नोसिस करना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो किसिंग्स सिंड्रोम है ये इसको कैनाइन किसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। और ये सिंड्रोम डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर एंड रेयरली इन अदर डोमेस्टिक एनिमल, बट इन केस ऑफ ह्यूमन दिस इज ऑल्सो रिपोर्टेड। ह्यूमन के केस में भी ये बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एडल्ट और एज डॉग के अंदर ही होती है, यंग वन के अंदर ये नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों अपने डॉग का ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका डायग्नोसिस करना है और प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। तो देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।